राम की नगरी चित्रकूट को संरक्षित करने की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पूरे चित्रकूट क्षेत्र को उत्खनन मुक्त करने की मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम के तहत चित्रकूट के सैकड़ों साधु संत और हजारों की संख्या में आमजन एकजुट हुई। वहीं सिद्धा पहाड़ पर आयोजित एक सभा में साधु संतों ने मौजूदा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि चित्रकूट क्षेत्र में संचालित वैध अवैध खदानों को तत्काल बंद नहीं किया गया तो साधु संत एकजुट होकर दिल्ली में चढ़ाई करेंगे। वहीं मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए सतना के सिद्धा पहाड़ में एक विशाल सभा को आयोजन संबोधित किया, जहां सैकड़ों साधु संतों के हजारों की संख्या में क्षेत्र के आम जनमानस शामिल हुए। इस धार्मिक क्षेत्र में कई खदानें संचालित हैं जिनके चलते लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही है, लिहाजा इस पूरे वन क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग की जा रही है। साथ ही लोगों की आस्था को केंद्र चित्रकूट का विकास अयोध्या की तरह किया जाए। प्रभु श्री राम के दो पार्टी अयोध्या में जन्म का होना और चित्रकूट राम की तपोभूमि बनना, ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व कर गया था। जब राम को वनवास दिया गया, वनवासी से उनके चिन्ह तो चित्रकूट में पग पग पर उनके पद के चिन्ह है और चित्रकूट जो बोलते हैं उनके पद के चिन्ह और कूट भाई चंद्राई, यही राम की पहचान है।